कुशीनगर पहुंचे पीएम मोदी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, पूर्वांचल के लोगों को दी बधाई। पीलीभीत में बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी, लोग पलायन करने को मजबूर, बद से बदतर हुए हालात। कासगंज में सड़क हादसे में युवक की मौत, अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा, युवक की मौके पर मौत। यूपी में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका, कांग्रेस प्रियंका गांधी के पूर्व सलाहकार ने छोड़ी पार्टी और सपा में हो सकते हैं शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर पहुंचे जहां उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, इसके साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 260 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और इसमें टर्मिनल भी बनाए गए हैं। 3600 वर्ग मीटर में ये पूरा फैला हुआ है एयरपोर्ट। साथ ही आपको बता दें ये नया टर्मिनल भीड़ भाड़ वाले समय में 300 यात्रियों के आने जाने की सुविधा भी देगा। वहीं एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने वहां पर सरकारी मेडिकल कॉलेज का भी वो शिलान्यास करेंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कुशीनगर को बड़ी सौगात दी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है और साथ ही आपको बता दें कि कई और परियोजनाओं का शिलान्यास भी वो करेंगे। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री अब से थोड़ी ही देर बाद करेंगे। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है। कुशीनगर प्रधानमंत्री पहुंचे थे जिसके बाद उन्होंने वहां से जनता को संबोधित भी किया और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई और परियोजनाओं का वो शिलान्यास करने वाले हैं। आज मेडिकल कॉलेज की सौगात भी देंगे वो कुशीनगर के लोगों को और वहाँ भी सरकारी मेडिकल कॉलेज का अब से थोड़ी ही देर बाद शिलान्यास करेंगे। तो ऐसे में आज पूरी तरह से मिशन यूपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, इसीलिए जनता को बड़ी बड़ी सौगातें बीजेपी सरकार दे रही है। इसीलिए आज कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें अगले हफ्ते से कुछ ही दिनों बाद दिल्ली से भी डायरेक्ट फ्लाइट यहां पर जा सकेंगी और इस इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर अब कहीं से भी यात्री पहुँच सकेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई खासियत हैं इस एयरपोर्ट की और सबसे बड़ी खासियत ये है कि यूपी में अब तक जितने भी एयरपोर्ट हैं इस एयरपोर्ट का रनवे सबसे बड़ा बनाया गया है। तो सबसे बड़ी सौगात ये कुशीनगर की जनता को आज मिली है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी गुप्ता, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ी सौगात दी गई है कुशीनगर में इंटरनेशनल हवाई अड्डे का, उन्होंने उद्घाटन कर दिया है और अब इसके बाद उनके क्या कुछ कार्यक्रम हैं? मैं बताना चाहूंगा कि अभी प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, वहां से शिलान्यास करने के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का हवाई अड्डा है जी, उसके बाद वो सीधे कार्यक्रम स्थल पे आएंगे जहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। जी जी बिल्कुल ओपी गुप्ता, और कहीं ना कहीं कुशीनगर के जरिए जो है वो सियासी समीकरण को भी साधने की कोशिश की जा रही है क्योंकि कुशीनगर काफी अहम माना जाता है। ऐसे में पूर्वांचल में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये कोशिश की जा रही है। जी मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश का आखिरी जनपद है, यहाँ से भाजपा के 6 विधायक हैं और क्योंकि कुशीनगर से भी भाजपा का ही सीट है, लेकिन ये सियासी समीकरण के तहत ही ये सारी योजनाओं का ये शिलान्यास किया जा रहा है जी। और अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है ये क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कुशीनगर का महत्व है, भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है, तो ये बिल्कुल चुनावी समीकरण को ध्यान में रख के ये उद्घाटन और ये कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है।
जी बिल्कुल, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज कुशीनगर की जनता को ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। और इसके साथ आपको बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ऐसे में सियासी समीकरण बनाने की भी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि बुद्ध की धरती कहा जाता है कुशीनगर को, और इसीलिए बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को भी साधने की इसके जरिए बहुत बड़ी कोशिश की गई है आज। बुधवार को हरिद्वार में चंडी चौदस का दिन मनाया गया, और इसी दिन को देखते हुए चंडी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान मौके पर मौजूद एक श्रद्धालु ने बताया कि वो हरि चंडी चौदस के दिन दरबार आता है और माता के आशीर्वाद लेने के लिए हर साल वहां पर पहुंचता है। इसके अलावा मां चंडी देवी के महंत रोहित गिरी ने बताया कि चंडी चौदस में माता रानी आज के दिन सभी के घरों में विराजमान होती हैं और सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। वहीं पिछले 2 साल से कोरोना बीमारी के चलते धार्मिक स्थलों पर भी प्रभाव पड़ा है, जैसे हर बार की तरह मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार भी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लोग अपने घरों में ही सुरक्षित हैं और कम से कम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। में जितने देवता थे उन सब की शक्ति एक पुंज के रूप में इकट्ठा हुई और एक लॉट के रूप में इस दिव्य स्थल पर गिरी, और जिसमें माँ भगवती जो है रौद्र रूप में रुद्रचंडी के रूप में यहाँ प्रकट हुई। वो खंभा फाड़कर माँ भगवती यहाँ पे प्रकट हैं, और उसके पश्चात भगवती द्वारा चंड मुंड चिकचुर चामुर सुम्ब निसुम आदि दैत्यों का संहार किया। संहार करने के पश्चात माँ भगवती इसी स्थान पर बीच वाले भाग में जहाँ मंगल चंडी के रूप में माँ भगवती के दर्शन करते हैं उस स्थान पर आकर बैठ गई। भगवती का जो है क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था, जिस कारण इंद्र आदि देवताओं ने माँ भगवती की स्तुति करी, मंगल गान गाया, और भगवती जो है मंगल चंडी के रूप में विराजमान हैं। और इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती से प्रार्थना करी कि हे भगवती, हमने हजारों वर्षों तक आपके पूजा पाठ में हमारा समय चला गया। आगरा के थाना जगदीशपुरा में 17 अक्टूबर को माल खाने से 25 लाख रुपए की चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अरुण की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी मामले में जाँच की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार किया था और पूछताछ के दौरान आरोपी की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई थी। तो आगरा का ये पूरा मामला है जहां पर आपको बता दें पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत हो गई है। दरअसल पुलिस थाने में 25 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसके बाद लगातार पुलिस आरोपियों की बदमाशों की तलाश कर रही थी। ऐसे में जब आरोपी को पकड़ा गया, बदमाश को पकड़ा गया, तो पुलिस कस्टडी में जब उससे पूछताछ हो रही थी तो उस दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। थाना मालखाना अंतर्गत एक नकबजनी हुई थी, उस पे 25 लाख रुपया का चोरी मालखाना बक्सा से चोरी हो गया था। उसके आधार पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया है, क्राइम नंबर 362/21 अंडर सेक्शन 457-380 में। और उसके बाद पुलिस कई संदिग्ध लोगों के लिए के थाना पर जो आता जाता उनको सबको पूछताछ किया है। कल पुलिस ने एक अरुण नाम के व्यक्ति को पुलिस लिया है, उनसे पूछताछ किया है और पूछताछ में उन्होंने बताया हमने घटना का किया है, अंजाम दिया है और हमने पैसा घर पे रखा हूँ। और उसके आधार पर पुलिस ने उनका घर पे ले जाके पुलिस ने घर पे जाके रिकवरी किया 15 लाख रुपए पैसा, और पैसा रिकवरी करते समय उनका अचानक तबीयत बिगड़ा है। और उसके बाद तुरंत पुलिस और उनका परिवारजन साथ में उसका आस पर लेके भागा।
यूपी के पीलीभीत जनपद में बीते दिनों हुई लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से अब जनपद के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे भयावह हालात पैदा हो गए हैं। वहीं अब इस आफत की बारिश के चलते यहां रहने वाले ग्रामीण भी अब पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। साथ ही इस बाढ़ की सूचना मिलने पर मौके पर मौजूद विभागीय आला अधिकारी के लोगों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। साथ ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पीलीभीत के थाना हाजरा इलाके के रामनगरा और चंदिया हजारा इलाके में हालात बद से बदतर हैं। यहां शारदा नदी उफान पर है और पानी गांव में पहुंच चुका है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें देख सकते हैं पीलीभीत की, किस तरह से बीते कई दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके बाद पानी इतना ज्यादा बढ़ गया, नदियां उफान पर आ गई, तो पीलीभीत में लोगों के घरों में पानी घुस गया, गाँव में पानी घुस गया। तस्वीरें देख सकते हैं गाँव के बीचों बीच किस तरह से बोट पर बैठकर लोग इधर उधर जाने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, पानी इतना ज्यादा भर गया है कि लोग अब वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो पीलीभीत का ये पूरा मामला है, ये तस्वीरें पीलीभीत से हैं जो देख सकते हैं आप सीधे तौर पर किस तरह से बारिश के बाद लगातार नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश के बाद से पानी, कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में इस नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के गाँव के लोगों को तमाम परेशानियाँ हो रही हैं। गाँव में पूरी तरह से पानी घुस चुका है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे लोग अब वहां से पलायन करने को मजबूर हैं और कहीं और जाकर अपने घर बसाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप साफ तौर पर कितना ज़्यादा नदी का जो बहाव है वो बढ़ चुका है, जलस्तर बढ़ चुका है और ऐसे में मजबूर लोग हो गए हैं। हालांकि लगातार प्रशासन की तरफ से, आला अधिकारियों की तरफ से लोगों को बाहर निकालने का, रेस्क्यू करने का काम जारी है, लोगों की मदद लगातार की जा रही है, लेकिन ऐसे में बारिश की वजह से, बेमौसम बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा कर रख दी हैं। कासगंज के सहावा थाना क्षेत्र के गांव फरौली के पास हुई एक सड़क दुर्घटना में एक अधेड़ युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक बाइक पर सवार था, वहीं इस बीच एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो कासगंज का यह पूरा मामला था जहाँ पर सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है। जगदीशपुरा थाने में चोरी के मुख्य आरोपी की कस्टडी में मौत के मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। वहीं अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में आरोपी की मौत होने पर सच छुपाने का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत हुई थी, जिसके बाद अब इस पर पूरे मामले को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने पुलिस कस्टडी पर जो युवक की, आरोपी की मौत हुई थी, उसका सच छुपाने का पुलिस पर आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि दरअसल बीते दिनों पुलिस थाने में चोरी हुई थी, जिसके बाद उस मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस कस्टडी में जब आरोपी से पूछताछ की जा रही थी तो उस दौरान उसकी मौत हो गई थी। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है अश्वनी जी से, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में पुलिस कस्टडी में युवक की, आरोपी की मौत हुई, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है।
तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला थाने में चोरी का था, जहां पर थाने में चोरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जब पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही थी आरोपी से, तो पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई थी। हालांकि अब मृतक के परिजनों ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी खूब हो चुकी है। चलिए एक बार फिर से बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आ रही है। अश्वनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। धन्यवाद। अश्वनी जी, आगरा का एक मामला है जहां पर पुलिस थाने में पहले चोरी हुई, जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, पूछताछ के दौरान आरोपी की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी की जा रही है। अखिलेश यादव ने आपकी सरकार पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर कहा है कि मौत होने पर सच छुपाया जा रहा है। अखिलेश यादव इस समय जो है मानसिक रूप से कुछ विचलित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कामों को देखकर कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, इसलिए सरकार के ऊपर हमेशा उंगली उठाना, अरे मालखाने में आपके चोरी हुई, वहां चोरी का करने वाला चोर पकड़ लिया गया जी। अब मौत किस कारण से, उससे वसूली भी हुई कि कितनी चोरी किया था, उससे वसूली भी हुई काफी हद तक, उसके बाद उसकी मौत हुई, ये जांच का विषय है। इसमें सरकार को दोषी ठहराना कहां तक होता है? अरे अखिलेश जी, आप इतना ध्यान अपने आजमगढ़ क्षेत्र में लगाते तो लोग पोस्टर लगा के आपको इंतजार खोजते नहीं होते आज। अखिलेश जी इस समय जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरे हैं, तब से उनके मन में मानसिक पीड़ा है। अभी भी वो अपने महल में जो उन्होंने 300-400 करोड़ का बनाया है, उसमें वो रहते हुए लगता। लेकिन अश्वनी जी, ऐसा यूपी में क्यों हो रहा है कि पुलिस अक्सर सवालों के घेरे में खड़ी होती नजर आती है? चाहे आपसे कुछ दिन पहले की बात कर लूं, अगर इस मामले की बात भी कर लूं, तो जो मृतक के परिजन हैं, वो भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, पुलिस की कार्यशैली पर तो हमेशा सवाल खड़े होंगे। पुलिस जो है, एक दो पुलिस वालों के कुछ गलत हरकतों के कारण, एक दो जगह कुछ अगर गलती भी हो जाती है, फिर जांच का विषय है। इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि उसके लिए यहाँ पर जनता क्या है, बिना हेलमेट के चलेगी, उसके बाद अगर पुलिस वाला रोक के उनको कहता है चालान करेंगे तो पुलिस पर सवाल, गाड़ी का पेपर नहीं होगा पुलिस पर सवाल, कहीं जा रहे हैं बदतमीजी कहीं किसी के साथ कर रहे हैं उसके बाद पुलिस पर सवाल, तो पुलिस पर तो सवाल हमेशा उठते रहेंगे। लेकिन पुलिस का इकबाल बुलंद है, अपराधी बचेंगे नहीं योगी सरकार में, कहीं भी होगा उसको कोर्ट में। लेकिन अश्वनी जी, ये जिम्मेदारी भी तो पुलिस की ही है कि पुलिस की कस्टडी में एक आरोपी की मौत हो जाती है तो सवाल तो अपने आप खड़े होंगे उसकी। देखिए, वो अगर पुलिस की कस्टडी में किसी की मौत होती है तो वो एक न्यायिक विषय हो जाता है, उस पर हमारा बोलना उचित नहीं रहेगा। और अगर ऐसा हुआ है तो उसकी पूरी जांच होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, हम आप उसमें न दखलंदाजी कर सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। अखिलेश यादव राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे लग रहा है कि 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में राम राज्य था, उत्तर प्रदेश में कुछ होता ही नहीं था, जो आज वो आईना दिखा रहे हैं। अरे अखिलेश जी, जब आईना उठाइए तो पहले खुद देखिए, फिर दूसरे को दिखाइए। आज देखिए, आज समस्या क्या है प्रदेश में, प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक कर्मयोगी के रूप में उभरे हैं और हमारी 24 करोड़ जनता के लिए वो देवदूत की तरह हर जगह प्रकट रहते हैं। ये लोग अपने महलों से नहीं निकलते हैं और दिन भर बैठ कर एक ट्वीट करना, आरोप लगाना काम हो जाता है, बात उसके बाद काम खत्म। जब बाहर निकलेंगे तो दरोगा को पीटेंगे, वर्दी फाड़ेंगे और जीप जलाएंगे, यही करते हैं ये लोग। और आरोप लगाना बड़ा आसान काम है, लेकिन 5 साल जो सरकार, कोरोना काल में 100 साल में कोरोना काल नहीं आया था, 2 साल लगातार कोरोना आया, और उसमें पहले मुख्यमंत्री कर्मयोगी आदित्यनाथ जी हैं जो पूरे प्रदेश के हर जिले में कम से कम 3 बार दौरा कर चुके हैं। ये लोग तो ना आजमगढ़ जाते हैं, न नोएडा जाते थे, न बिजनौर जाते थे। देखिए, यही अंतर देख लीजिए। उसके बाद कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। यहाँ पर आज इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। आने वाले चुनाव में जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को 300 पार ले जाना चाहती है, यही इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और अखिलेश यादव जी,
आप जिस अपने पिता का सम्मान आप नहीं कर सकते हैं, अपने घर से नहीं निकल सकते हैं, तो जनता का क्या सम्मान करेंगे? आप आईना पहले देखिए फिर दिखाइए। चलिए ठीक है अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो आगरा का ये पूरा मामला था जहां पर पुलिस थाने में चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत हो गई, जिस पर अब राजनीति भी खूब की जा रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में आरोपी की मौत होने पर सच छुपाने का आरोप लगाया है सरकार पर। अपने दो दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत अयोध्या पहुंचे, जहां इस दौरान आरएसएस बुधवार को कार सेवकपुरम में आयोजित संघ के शारीरिक वर्ग शाखा में मौजूद रहेंगे और इसके अलावा वो राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में भी मोहन भागवत भाग लेंगे। यूपी के पीलीभीत जनपद में बीते दिन हुई लगातार दो दिन तक मूसलाधार बरसात ने किसानों की धान की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वहीं किसान इसको लेकर काफी परेशान है और इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के चलते अब किसान यूपी और केंद्र सरकार से मुआवजे को लेकर आस बनाए बैठे हैं। आपको बता दें कि लगातार दो दिन हुई मूसलाधार बारिश से किसानों की फसल पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है, जिसके चलते किसानों का भारी नुकसान भी हुआ है। दो दिन हुई लगातार बारिश के बाद किसानों की फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका इस फसल को लेकर। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र, जिस तरीके से दो दिन लगातार बारिश हुई, क्या कुछ लगता है, क्या नुकसान हुआ? भैया धान तो हमारा सभा गया, काशकार आदमी है भाई, अब क्या खाओ जाए फिर बताओ। क्या लगता है कि जो इस तरीके से लगातार बारिश हुई तो सरकार को क्या कहेंगे आप, क्या क्या तो चाहते हैं? इसमें क्या दोष है सरकार को, जो दो ऊपर वाले को दोष है, सरकार को दोष थोड़ी है भाई। मतलब प्राकृतिक आपदा, क्या लगता है कि आपको सरकार से कोई उम्मीद है किस तरीके से आपको मुआवजा मिले या आप जाको भाई, सरकार जाने क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हम लोग उनकी क्या क्या लग रहा है, कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो क्या, काशकार की तो सब फसल गई है, धान की तो, धान की पूरी फसल चली गई, पूरी गई। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ कहना। क्या नाम है आपका? चलो सच्चा, दीनदयाल। दीनदयाल, जिस तरीके से दो दिन लगातार मूसलाधार जो बारिश हुई है, बरसात हुई है, क्या लगता है किसानों की फसल कितनी बर्बाद हुई है, कितना क्या नुकसान हुआ है? किसान की फसल तो साहब ये लग रही है कि पूरी मतलब सीजन भरी की कमाई आदमी चली गई, धान ही कमाई थी पहले, सूखा था, अब अवेला आ गया, सब फसल बेकार हो गई। क्या लगता है जिस तरीके से जो बरसात हुई है, क्या ये मौसम बरसात का था या अपने नहीं, नहीं, इतनी बरसात का मौसम वैसा नहीं था, पर भाई साहब से इतनी बारिश हमारे होश में तो कभी हुई नहीं थी। हमें 50 साल के तो हम हमने कितनी बारिश हुई होगी इस बार? इस बार दो दिन में कम से कम मेरी लपेट में 90% बारिश हुई इस बार। मतलब बहुत काफ़ी नुकसान जी नहीं, सभी नहीं, हमारा नहीं, सभी काश्तकारों का जम के नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका भाई सर? अरविंद कुमार सर। अरविंद जी, क्या लगता है कि जिस तरीके बरसात हुई है, क्या लगता है? जिस तरीके से बरसात हुई, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सरकार को इससे मुनाफा देना चाहिए, लेकिन ये बरसात जो हुई है इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, इसमें अचानक ही बरसात हुई थी, क्या कह सकते हो इसको? मतलब प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा कह सकते हो इसमें। तो कुछ उम्मीद आप लोगों ने जगाई हो सरकार से, क्या कुछ? अब सरकार से क्या उम्मीद जगाओगे, जो मिलेगा वो देखा जाएगा, और क्या है, और क्या है, जो ऊपर से मुनाफा आएगा वो बड़े लोग खा जाते हैं, कहाँ तक आता है, छोटे लोगों तक कहाँ आ पाता है? जो मुनाफा आता है वही बैठे बैठे लेखपाल लोग और वो खा जाते हैं सब बैठे बैठे। अगर आता भी है सरकार से कुछ मुआवजा वगैरह मिलता है तो आप लोगों तक नहीं पहुँच, नहीं पहुँचता है, नहीं पहुँचता है, कभी कोई मुआवजा, कभी कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, आपको कोई मुआवजा मिला हो? ना, हमें नहीं मिला कभी भी, कोई नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिला कभी। जिस तरीके से हमने किसानों से बात की, जिस तरीके दो दिन लगातार जो बरसात हुई उससे किसानों का भारी जो है नुकसान तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को एक उम्मीद भी है कि सरकार उनको कुछ मुआवजा देगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।